हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एम ए रसोई में। आज मैं पिज्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ जो मैं सिर्फ 5 मिनट में बनाना बताऊँगी बिना माइक्रोवेवन के। वो हम बहुत ही टेस्टी इस तरीके का पिज्ज़ा लगता है, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। और मेरे चैनल पर जो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जी रखिए, मैंने गैस पे कढ़ाई कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड तेल। तेल को हमें करना है गरम। तेल हमारा देखिए हल्का सा गरम हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 शिमला मिर्च को कटी, इस तरीके से हमें बारीक चॉप कर लेना है। हमें सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं हमें पकाना है, हल्का सा ही पकाना है हमें, 50% सब्जी को पकाना है। और इसे हम स्लो आँच में हम पका लेंगे। देखिए हल्का सी सॉफ्ट हो गई है हमारी ये शिमला मिर्च, इसमें हम डाल दें थोड़ा सा नमक। नमक को हमें ज़्यादा नहीं डालना है, इसे हमें हल्का सा ही हमें फ्राई करना है और ज़्यादा सा नहीं हमें फ्राई करना है। अब इसमें मैंने देखिए एक प्याज काट ली है। प्याज को मैंने देखिए इस तरीके से पीसस में काटा है। और प्याज को भी हल्का सा हम सेंक लेंगे, इसे हमें प्याज को ज़्यादा नहीं हमें पकाना है। सब्जियां देखिए हमारी हल्की सी पक गई हैं तो इन्हें हम निकाल लेंगे अब। और जो गैस पर मैंने रखा है पैन को मैं हल्का सा इसमें हम तेल लगा लेंगे। पैन में हम जी रख देंगे पिज्ज़ा बेस। पिज्ज़ा बेस को हमें एक साइड से हमें हल्का सा हमें सेंक लेना है। और गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है इस टाइम पे। देखिए हमारा पिज्ज़ा बेस है वो हल्का सा देखिए सेक चुका है, अब इसे हम पलट लेंगे। अब इसमें हम लगाएंगे जो हमने पिज्ज़ा सॉस को लिया है। अब इस तरीके से हमें पिज्ज़ा बेस पर हमें चारों तरफ अच्छे से हमें इसे लगा लेना है। और हमें फैलाते हुए अच्छे से लगा लेंगे हम। देखिए मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब मैंने जो सब्जी को फ्राई करके रखा हुआ था इसे भी हम अच्छे से फैला लेंगे, चारों तरफ हमें अच्छे से लगा लेना है। सब्जियों को देखिए एक तरफ से लगा लिया है मैंने। अब मैंने लिया है एक टमाटर, टमाटर को इस तरीके से लंबा लंबा काटा है, इसे भी हम ले लेंगे और चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। अब जो मैंने ली है जो मोंजरेला चीज़ है जी, इसे हम ऐसे पिज्ज़ा के ऊपर ये भी हम इसे तरीके से हम बिखराते हुए इसे हम लगा लेंगे अच्छे से। देखिए मैंने अच्छे से लगा लिया है इसे भी। और जो मैंने लिया चिली फ्लेक्स तो इसे भी हम चारों तरफ हम अच्छे से इस तरीके से हमें बिखराते लगा लेना, ताकि जो खाने में जब इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इसी तरीके से हमें। अब थोड़ा सा हम लेंगे नमक, हमें नमक ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने सब्ज़ी में भी नमक डाला था। नमक को भी हम इसे हम डाल लेंगे चारों तरफ अच्छे से, ताकि अच्छे से टेस्ट भी आ जाए। अब लिया है मैंने जो काली मिर्च का पाउडर, इसे भी हल्का ऐसा हमें लगाना है, हमें आधी चम्मच करीब इस तरीके से हम चारों तरफ इसे हम लगा डाल देंगे। देखिए मैंने वो लगा दिया है। अब इसमें हम ढककर हम 4 से 5 मिनट इसे स्लो आँच में पका लेंगे। देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए हमारी चीज़ भी है वो मेल्ट हो चुकी है। देखिए कितना बढ़िया हमारा पिज्ज़ा बन के तैयार हुआ है। देखिए बन गया है ना बिल्कुल 5 मिनट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और चलिए तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।